अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं लेकर आई हूं अचार का मसाला, किस तरीके से घर पे बनाते हैं और इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लीजिए, उसमें हमने सूखा धनिया लिया है और ये मैंने लिया है 2/3 मेजर से। तो सारी चीज़ मैं इसी मेजर से लूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा, सौंफ 2/3 मेजर है मेरा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैंने सरसों लिया है, वो मैंने डबल कर दिया है, यानी कि 2/3 के 2 कप डाले हैं। इसको हम रोस्ट करेंगे। जब तक रोस्ट करना है तब तक, जब तक स्मेल ना आए स्मोकी सी। तकरीबन ये 5 से 8 मिनट में अच्छा रोस्ट हो जाएगा और मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। 6 मंथ तक इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, 6 महीनों के लिए ये तैयार हो जाएगा। ये रोस्ट हो चुका है, बस इसे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसे ठंडा होने रख दिया है। ठंडा मैंने इसने इतना करना है जैसे कि हमारा हाथ ना जले इसमें। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी, इसे मैं 3 पार्ट में ग्राइंड करूँगी। तो पहले पार्ट को मैं बहुत बारीक सा ग्राइंड करूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन पाउडर शेप में हमें इसे ले लेना है, पाउडर बना लेना है मसाले को, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मैं करूँगी दरदरा। बेगम किचन के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। और तीसरा पार्ट भी दरदरा है, बट इतना दरदरा नहीं है, दरदरे से थोड़ा सा बारीक है। बट फर्स्ट वाला जो था वो मैंने पाउडर ही शेप में करा था। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया और इसमें थोड़े ड्राई मसाले डाल लूँगी। यहाँ कुटी मिर्च डाली है मैंने, लाल कुटी मिर्च। नमक डाला है 3 चम्मच, बड़े 3 चम्मच डाल दिया है नमक भर के। लाल मिर्च तकरीबन पूरा मिलाया जाएगा तो 1 लाल मिर्च का चम्मच होगा, और हाफ हाफ करके हमने 2 बार में डाली है मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स करके, ठंडा तो हो ही गया है इसे, अब हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ में अचार बनाने के लिए काम में ला सकते हैं। और इसमें जब आप अचार डालेंगे तो आपने ऑयल और सिरका ज़रूर ऐड कर देना है, और आपका अचार तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दुआओं में ज़रूर याद रखें।